विंडो भी खोल देते हैं, ये विंडो भी हमने खोल दिया और अभी आ रहा है बिल्कुल रियल वाला फील, असली जैसा लग रहा है मेरे को अभी। काफी बेहतरीन लोकोमोटिव उन्होंने बनाया, आपको सामने में देख के तो पता चल ही रहा होगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस आज हम लोग 12402 न्यू दिल्ली से इस्लामपुर तक जाने वाली मगध एक्सप्रेस की एक बहुत ही मजेदार वाला जर्नी करने वाले हैं। गाइस ये देखिए, फिलहाल आप लोग तो राइट साइड में देख ही सकते हैं, एक फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है और फिलहाल हम लोग हैं पटना जंक्शन पे। तो पटना जंक्शन से डिपार्चर का वक्त भी हमारा हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में खड़ी है हमारी मगध एक्सप्रेस, जो कि पूरे एलएचबी के फॉर्म पे है, एलएचबी के अवतार में है। तो चलिए फिर अब डिपार्ट भी करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे ट्रेन का ये लोकोमोटिव। ये रहा लोकोमोटिव, जो कि है WAP-1 लोकोमोटिव। तो यार बताओ, 22011 इसका रोड नंबर है। चलिए फिर इसको डिपार्ट करवाते हैं, सबसे पहले लोकोमोटिव के अंदर में चलते हैं। और ये देखो यार, कितना मस्त वाला कैब व्यू यहाँ पे बना के रखा है हमारे WAP-1 लोकोमोटिव का। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार। जल्दी से हम लोग ये क्लोजिंग ऑथराइजेशन को देते हैं। ये देखिए, ये हो चुका है हमारा काम कंप्लीट। और अब सर्किट ब्रेकर को हम लोग करते हैं क्लोज, जो कि ओ प्रेस करने से होता है। और अभी जो है हमारा लोकोमोटिव जो है नींद से जाग चुकी है। तो चलो यार, अभी जल्दी से फटाफट हॉर्न बजा के, ब्रेक्स को रिलीज करके और रिवर्सल को फॉरवर्ड में करके यहाँ से डिपार्ट करते हैं। अब ब्रेक्स को भी मैंने रिलीज कर दिया है। बताओ यार, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आप सभी को? सिग्नल तो हमको येलो मिला है, सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम लोग रिवर्सल को फॉरवर्ड में कर चुके हैं। ये वाला है रिवर्सल। अभी हम लोग थ्रॉटल को जल्दी जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, थ्रॉटल को थोड़ा सा इंक्रीज करके रखते हैं, 50% पे रखते हैं इस थ्रॉटल को। चलो यार, फाइनली हमारा जो ट्रेन है पटना जंक्शन से डिपार्ट कर रही है। और उससे पहले आप लोग जरा एक बार मुझे बता दीजिए कि भाई पटना जंक्शन से आप में से कौन कौन है जो कि ये वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा मुझे कमेंट से बता के जाना गाइस। और हाँ, मैं पटना जंक्शन का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाना भूल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये यहाँ पे एक हमसफर एक्सप्रेस मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं इस वक्त में पटना जंक्शन में कौन सा हमसफर एक्सप्रेस रहता है, लेकिन बाकी के जो प्लेटफॉर्म से पूरा खाली मेरे को नज़र आ रहे हैं। चलो यार, हम लोग ट्रेन को वापस से पकड़ लेते हैं और F4 यानी ट्रैक मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। और गाइस सामने से लगता है कोई एक ट्रेन का अराइवल चल रहा है, मैं F7 को जल्दी से ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा ट्रेन का सामने से अराइवल चल रहा है। ये देखो गाइस, यह है 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि पटना जंक्शन पे अराइव कर रही है अभी धीरे धीरे। और यहाँ पे देखिए 3-3 WAM-4 या फिर WAG-7 ऐसा ही कुछ होगा, मुझे लगता है WAM-4 होगा शायद से, वैसा ही कोई लोकोमोटिव होगा जो कि यहाँ पे स्टैटिक रेस्ट कर रहे हैं। और सामने में काफ़ी कुछ दिखाने के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो यार, अभी धीरे धीरे डिपार्ट तो कर ही चुके हम लोग, और गाइस स्पीड को 40 के अंदर में रखते हैं गाइस अभी, क्योंकि गाइस सामने में ना हमको दोबारा से रोकना पड़ सकता है कि अभी रोकना तो है ही, क्योंकि सामने हमारा स्टॉप है। ये देखो, ये एक WAG-9 के साथ में कोई BTPN फ्रेट ट्रेन है जो कि रेड सिग्नल पे रुकी हुई है। और ये कौन सा फ्रेट ट्रेन है भाई? ये भी WAG-9 के साथ में, ये भी BTPN है। वाह भाई, दो दो BTPN एक साथ में यहाँ पे रुके हुए हैं पटना जंक्शन के एंट्रेंस पे, और जंगल के अंदर में ऐसा रुका हुआ है, ऐसा मेरे को देख के लग रहा था। तो बताओ यार गाइस, यहाँ तक का नज़ारा कैसा लगा गाइस आप सभी को देखकर? चलो यार, मैं पीछे चलता हूँ ताकि आप लोगों को ना ट्रैक साउंड्स वगैरह ढंग से सुनाई दे। अब यहाँ से देखो गाइस, आपको ट्रैक साउंड्स वगैरह सबको सुनाई देगा, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रैक साउंड्स भी पसंद आएगा आज का। तो गाइस अगला जो हमारा हॉल्ट है वो तो आप सबको पता ही है, राजेंद्र नगर टर्मिनस है। राजेंद्र नगर टर्मिनस यहाँ से बस 1.4 किलोमीटर दूर है। और गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो रूट हम लोग आज खेल रहे हैं ये है कंप्रेस्ड रूट, तो इसमें शायद से कोई कोई स्टेशन को स्किप भी किया हो सकता है। तो आप लोग नहीं तो बाद में कमेंट्स में कहोगे कि भाई ये तो यहाँ पे ये स्टेशन होना चाहिए, आपके गेम में तो ऐसा है नहीं। तो यार बात कुछ ऐसी है, ये रूट काफ़ी कंप्रेस रूट है, तो इसमें काफ़ी सारे स्टेशन को स्किप किए गए हैं मुझे ऐसा लगता है। अब सामने में देखिए 15646 गुवाहाटी मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस रखते सारे काफ़ी चमक रही है लोकोमोटिव। देखो WAG-4 वडोदरा सिटका था गाइस। देखो यार, ऐसे क्रॉसिंग होता है ना तो यार अच्छा लगता है देखने में, मतलब ढंग से नेम भी पढ़ सकते हैं, लोकोमोटिव का नेम भी देख सकते हैं। तो बताओ गाइस कमेंट्स में ये क्रॉसिंग कैसा लग रहा है आप सभी को? ICF के अवतार में ये ट्रेन है जो कि क्रॉस कर रही है हम सबको। हमने ब्रेक्स को लगा दिया है गाइस। चलो यार, ये रहा, यहाँ पे ये है आपका ब्रेक्स, इसको हम लोग जल्दी से अप्लाई कर देते हैं गाइस।
और स्पीड हमारा काफ़ी तेज़ी से जो है डिक्रीज हो रहा है। और ये जनरेटर का साउंड देखो, ये कितना मीठा मीठा साउंड लग रहा है। नहीं, एक एक जनरेटर का जो साउंड है ना वो काफ़ी यार घटिया वाला होता है, मतलब दिमाग ख़राब कर देता है वो साउंड सुनने के बाद। लेकिन ये वाला वैसा नहीं है, ये काफ़ी स्वीट सा साउंड लग रहा है। खैर जो भी है, चलो अभी हम लोग धीरे धीरे जो एंटर कर रहे हैं राजेंद्र नगर पे, और बस हम लोग अभी रोकने ही वाले हैं। मैं स्पीड को ना गाइस रिड्यूस करके रखता हूँ ताकि कोई रिस्क ना रहे गाइस। चलो यार मैं अभी ब्रेक्स को जल्दी जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ, शायद से हमको गाइस बहुत जल्द ट्रेन को रुकवाना पड़ सकता है। एक बार सामने का नज़ारा देख के आते हैं। हाँ गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेड सिग्नल के बिल्कुल सामने में आ चुके हैं। चलो गाइस यहाँ पे हम लोग ट्रेन को रोक देते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑल लोको पायलट स्टॉप हियर, चलो यार हम लोग भी रोक देते हैं। तो चलो गाइस फाइनली हमने ट्रेन को यहाँ पे रुकवा दिया है और हमको आगे जाने का जो सिग्नल है वो भी मिल चुका है। इतने में देखिए 15527 कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस का यहाँ से क्रॉसिंग चल रहा है। लेकिन यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं रुकने वाली है क्या राजेंद्र नगर स्टेशन पे? पता नहीं यार, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और हमारा कितने देर का वेटिंग हॉल्ट है यार? ज़्यादा नहीं है, 20 सेकंड बाकी है, 20 सेकंड में हम लोग बस यहाँ से डिपार्ट कर लेंगे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये ट्रेन नहीं गाइस, ये शायद से भी रुकने वाली है। मुझे लग रहा है ये रुकेगी सामने में, आगे जाकर शायद से ये रुकेगी। चलो यार लगता है हमारा यहाँ से डिपार्चर का वक्त हो चुका है। हम लोग हॉर्न वगैरह बजा कर ना रेडी होके रखते हैं। ब्रेक्स मैंने रिलीज कर दिया गाइस। चलो यार गार्ड जी ने पीछे से सीटी भी बजा दी है। चलो यार अभी हम लोग थ्रॉटल को इंक्रीज करते हैं, थ्रॉटल को इंक्रीज करके यहाँ से डिपार्ट करते हैं। गाइस आगे का स्पीड लिमिट 130 km पे जा रहा है, वैसे हमको तो 110 किलोमीटर पर आवर तक ही जाना है। वैसे धीरे धीरे जो डिपार्ट कर रहे हैं और यहाँ का जो नज़ारा है गाइस ये भी आप लोग देख लो और बताओ कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है आप सभी को। यहाँ से गाइस आप लोग नज़ारा देखो और बताना कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है गाइस आप सभी को नज़ारा। ये जा रही है जनरेटर कार और इसके पीछे में शायद से ये फर्स्ट क्लास होगा। फर्स्ट क्लास और टू टायर एसी एक साथ में होंगे और उसके पीछे से थ्री टायर वाले एसी का शुरुआत हो जा रहा है। बताओ गाइस कैसा लग रहा है कमेंट से, बताओ डिपार्चर कैसा लग रहा है। राजेंद्र नगर से काफी तेजी से यार वैप और ने स्पीड पकड़ लिया है और ये एक हमसफर वाला कोच बीच में लगा हुआ है। बाकी के सारे रेड प्योर एलएचबी वाले कोचेस है, वैसे हमसफर भी प्योर एलएचबी है लेकिन लीवरी अलग है, हमसफर पेंट अलग है। चलो यार अब हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं क्योंकि पीछे में पूरा का पूरा स्लीपर कोचेस है और एकदम लास्ट में वो आपके सेकंड सीटिंग वाले कोचेस है। ये रहे यहाँ से, ये एक सेकंड सीटिंग कोच, ये एक और, वैसे ये दीन दयालु लिखा भी हुआ है, आपने नोटिस किया क्या? और हाँ गाइस ये मैं आपको दिखाना भूल गया, एक मिनट रुक जाइए मैं स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और आपको सामने से दिखा देता हूँ वो कौन सा ट्रेन वहाँ पे स्टैटिक रेस्ट कर रहे हैं। कोई ट्रेन नहीं शायद से, कोई स्टैटिक कंसिस्ट होंगे, मतलब यहाँ पे कोच केयर यार्ड टाइप का मेरे को लग रहा है कुछ कोचेस को रखा गया है यहाँ पे, शायद उनका देखभाल के लिए या फिर मरम्मत के लिए रखा गया होगा। चलो यार अभी हम लोग स्पीड को अटेन करेंगे 110 किलोमीटर पर आवर, जल्दी से अटेन करते हैं। और ये देखो मैं इसी की बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए एक एलएचबी ट्रेन मुझे तो नज़र आ रहा है, एलएचबी के कुछ स्टैटिक रेक्स, साथ साथ में कुछ आईसीएफ के रेक्स और वहाँ उस साइड में कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। एक और आईसीएफ का रेक लेफ्ट साइड में मेरे को नज़र आ रहा है और सामने से देखिए बॉक्सर नेचर का गुड सर्विस भी आ रहा है। देखो यार इतना कुछ एक साथ में तो यार मज़ा तो दुगना हो जाता है ना वीडियो में। बताओ यार कमेंट्स में कैसा लग रहा है आप सभी को। बॉक्सर नेचर कोल वाली फ्रेट ट्रेन है गाइस ये। चलो गाइस मैं आपको अभी सामने के साइड में लेके चलता हूँ और अभी गाइस हम लोग थ्रॉटल को पूरा 100% में कर देते हैं और 110 किलोमीटर के रफ्तार में हम लोग बहुत जल्द अटेंड करने वाले हैं उस स्पीड को। साथ साथ में मैं हॉर्न भी बजाते रहता हूँ, तीन हॉर्न्स मैंने गाइस एक साथ में बजा दिया। ट्रैक साउंड कैसा लग रहा है गाइस आप सभी को? थ्रॉटल तो वैसे पूरा 100% पे देख रखा है गाइस। चलो यार अभी मैं आपको इंटीरियर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये आ चुके हैं हम लोग, शायद से ये थर्ड एसी का इंटीरियर होगा। हाँ गाइज ये शायद से थर्ड एसी का इंटीरियर है और ये शायद से
सेकेंड एसी का इंटीरियर, और यहाँ से आप लोग देख लो एक एमईएमयू ट्रेन आ रही है, पीछे से दिखा देता हूँ, झांझा पटना मेमू ट्रेन 63209 इसका ट्रेन नंबर है। ये देखिए ये पटना के साइड में जा रही है, और गाइस हम लोग काफ़ी तेज़ी से स्पीड को अटेन कर रहे हैं। चलो यार मैं आपको यहाँ से ना क्रॉसिंग दिखा के आता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से आप लोग क्रॉसिंग का नज़ारा देखते रहिए गाइस। ये किसी कोई कर्व पे जा रहे हैं गाइस हम लोग, और ये स्टेशन पता नहीं कौन सा है, गुलजरबाग, गुलजरबाग स्टेशन को हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। और राइट साइड में एक वैगन के साथ में BCN एक फ्रेट ट्रेन है, और एक ट्रेन आ रही है 15624 कमख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस, इसका भी क्रॉसिंग देख लो आप लोग। वैग 4 के साथ में ये ट्रेन आ रही है, और हम लोग 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच चुके हैं गाइस। ये देखो कर्व वाला जो नज़ारा है वो भी आप लोग देख लो, ट्रैक साउंड सब ऐसे काफ़ी गजब के आ रहे हैं, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आसपास का जो बिल्डिंग वाला नज़ारा है ना वो भी आप लोग देख लो कैसा लग रहा है। और हम लोगों को बहुत जल्द स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि सामने में स्टेशन हमारा आ चुका है, और कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं क्योंकि यह सिटी वाला इलाका है शायद से ये। चलो यार अभी हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई करके रखते हैं ताकि स्पीड हमारा जल्दी से डिक्रीज हो जाए, लेकिन वैग 4 का जो ब्रेक्स है ना वो काफ़ी कमाल का है गाइस, काफ़ी तेज़ी से जो है ना ये अपने स्पीड को कंट्रोल में ला देती है। अभी गाइस मैं आपको फर्स्ट क्लास का इंटीरियर भी दिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे फर्स्ट क्लास वाला इंटीरियर। ये देख फाइनली आ चुके हम लोग फर्स्ट क्लास के इंटीरियर पे, यहाँ का भी नज़ारा आप लोग देख लो। और गाइस हमारा बहुत जल्द ट्रैक चेंज वगैरह होने वाला है क्योंकि हम लोग स्टेशन पे हमको ट्रेन को रुकवाना है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, और बाहर का नज़ारा आप लोग यहाँ से देख लीजिए, और लगता है साइड से कोई ट्रेन जा रही है, मैं आपको दिखा नहीं पाया, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको पीछे के साइड से दिखा देता हूँ गाइस। 12335 भागलपुर मुंबई एनटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यार सारे के सारे ट्रेन के मुंबई एनटीटी के साइड में जा रहे हैं क्या, कितने सारे ट्रेन दिख गए गाइस बताना मेरे कमेंट्स में। और ये बैक पाइप के साथ में एक ट्रेन है जो कि हमें क्रॉस कर रही है, शायद से गाइस ये इसका ऑफ लिंक होगा, इसका रेगुलर लिंक कौन सा रहता है गाइस, अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट्स में बता के जाना कि ये जो ट्रेन है भागलपुर मुंबई एनटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रेगुलर लिंक कौन सा होता है। चलो यार हम लोग तो काफ़ी स्लो हो चुके हैं फिलहाल, थोड़ा सा स्पीड को गाइस इंक्रीज करना पड़ेगा। फाइनली गाइस हम लोग पटना साहिब स्टेशन पे एंटर करने वाले हैं, और उसके बाद में जो अगला हमारा हॉल्ट होगा वो होगा फतुहा जंक्शन, फतुहा या पटुआ इसको क्या कहते हैं। ट्रैक चेंज गाइस हमारा हो चुका है फाइनली, जैसे पूरा ट्रेन हमारा एंटर हो जाएगा स्टेशन पे हम लोग फिर रोक देंगे। यहां से जरा आप लोग देख लेना ट्रैक चेंज का नज़ारा, काफी लंबी ट्रेन है गाइस हमारी, पटना साहिब के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमको एंटर करने का मौका दिया गया है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई करके रखते हैं यहाँ से गाइस, और अभी हम लोग धीरे धीरे रोक भी देंगे, सामने के साइड में चलते हैं और बिल्कुल रेड सिग्नल के पहले जाकर हमको ट्रेन को रुकवाना है। चलो यार अब यहीं पे गाइस हम लोग ट्रेन को रुकवा देते हैं, वैसे रेड सिग्नल था अभी तो येलो सिग्नल हो चुका है। चलो फाइनली हमने ट्रेन को यहाँ पे रुकवा दिया है, और गाइस आप लोग देख लीजिए कि राइट साइड से एक और ट्रेन का क्रॉसिंग होने जा रहा है 15648 गुवाहाटी मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, वायर ये ट्रेन भी मुंबई के साइड में जा रही है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस। बताइए ये क्रॉसिंग कैसा लग रहा है आप सभी को, वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट तो नहीं है क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन कर रही है, मुझे ट्रैक साउंड सुन के पता चल रहा है। हमारा बोर्डिंग टाइम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वैसे गाइस हम लोग 5 मिनट डिले में चल रहे हैं, 12:40 पे हमको स्टेशन पे आना था पटना साहिब पे। वैसे गेम के टाइम के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग रियल वर्ल्ड के साथ में ना इसका टाइम को कंपेयर मत करना। चलो यार हम लोग हॉर्न बजा देते हैं क्योंकि गाइस हम लोगों को अभी यहाँ से डिपार्ट भी करना है। ये देखो तो चलो यार गार्ड जी ने फाइनली सीटी तो बजा दिया है, चलो यार अभी हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ से डिपार्ट करते हैं। तो अगला जो हमारा हॉल्ट है वो है फतुहा जंक्शन या फतुहा जंक्शन जो भी कहते हैं, 6.9 किलोमीटर्स बाकी है। तो गाइस पटना साहिब स्टेशन और फतुहा जंक्शन से अगर आप में से कोई बिलोंग करते हैं तो वो भी मुझे बता देना,
ये देखो ऊपर से ये ओवरब्रिज है, काफी शान सा स्टेशन लग रहा है। और देखो यार ये MSTS में आपको तो पता ही है कि भाई पैसेंजर्स नहीं होते हैं, ये पैसेंजर्स काफी कम होते हैं। जब हम लोग रेलवर्क्स खेलेंगे ना उस वक्त में पैसेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे और तब जो है असली वाला यानी रियल वाला इंडियन वाला फील आएगा। क्योंकि यार मैं देख रहा था MSTS में काफ़ी सारे न्यू रूट्स अवेलेबल हैं एक वेबसाइट पे, फिर मैंने सोचा था कि वो रूट को खेलना चाहिए मुझे, मैं खेलूंगा भी, लेकिन यार उसमें एक चीज़ जो है ना कोई पैसेंजर्स नहीं डाले गए हैं। रूट्स तो काफ़ी अच्छे हैं इसका तो कोई डाउट नहीं है, रूट्स तो बहुत ही बेहतरीन बना के रखे गए हैं, सीनरी भी काफ़ी लाजवाब बना के रखे गए हैं रूट्स के, मतलब जो जो न्यू रूट्स आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ पैसेंजर्स नहीं है भाई, यही मुझे ठीक नहीं लगा, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। और हिंदुस्तान रेलवेज़ में अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहाँ पे ना पैसेंजर्स ढेर सारे ऐड किए गए, इससे जो फील है ना वो और ज़्यादा रियल वाला आता है। बाकी के जो रूट्स हैं जैसे कि कोंकण रेलवेज़ भी हो गया, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि उसका सीनरी बहुत ज़्यादा लाजवाब है, बहुत जल्द मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। और सामने से देखिए 22843 बिलासपुर पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रहा है, इसको कैसा सिग्नल मिला है भाई, इसको ग्रीन सिग्नल मिला है, इसका डबल डेकर का EOG लगा हुआ है सामने में, आपको देख के पता चल रहा होगा। और गाइस सामने में हमको 80 का लिमिट मिल जाएगा, फिलहाल तो 40 का चल रहा है लेकिन उसके बाद में 80 का लिमिट मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत करो। यार ये वाला हॉर्न मुझे पसंद नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है इसमें किस हॉर्न की बात कर रहा हूँ, ये वाला हॉर्न, यही हॉर्न सबसे बेस्ट है गाइस। तो गाइस लोकोमोटिव के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई, लोकोमोटिव कैसा लगा गाइस आप सभी को, क्योंकि यार इसका देखने में वैपन देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है लोकोमोटिव, आप लोग ज़रा अच्छे से देख लीजिए। 22011 इसका रोड नंबर है और ये WAP1 है जो कि एक ऑफ लिंक है मगध एक्सप्रेस के लिए। चलो गाइस फाइनली हम लोग 80 वाले लिमिट पे एंटर कर चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, हम लोग ना 100 तक चलते हैं एटलीस्ट। गाइस सामने से देखिए कोई एक ट्रेन का शायद से क्रॉसिंग होने वाला है गाइस बहुत जल्द, आप लोग गाइस हमसफर वाले कोच से जो नज़ारा है वो देख लीजिए। ये देखिए 13281 डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस, वायर इसका जो ये लोकोमोटिव लगा हुआ था ना काफ़ी मस्त दिख रहा था लोकोमोटिव, और इसका जो कोचेस है ना ये काफ़ी डीप कलर वाले पेंट लगा के रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतना हैंग क्यों हो रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा हैंग क्यों हो रहा था यहाँ पर। खैर जो भी है, चलो गाइस हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में एंटर कर चुके हैं और इसी स्पीड को गाइस हम लोग मेंटेन रखते हैं फिलहाल। तो अब बाकी आप लोग ये ट्रैक साउंड ज़रा सुनते रहो और एंजॉय करते रहो। गाइस सामने में लगता है हमको रेड सिग्नल मिलने वाला है क्योंकि मुझे ट्रैक मॉनिटर से देख के ऐसा ही लग रहा है, बाकी आसपास का जो सीनरी वगैरह है ना वो सब आप लोग देखते रहिए, पूरा ग्रीन ही ग्रीन है जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड में भी है, एकदम रियल वर्ल्ड जैसा ही बना के रखा गया है, लेकिन ग्राफिक्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना के रखा गया क्योंकि ये काफ़ी पुराना रूट है, रेल इंडिया रूट है ये, काफ़ी पुराना रूट है। और सामने में देखिए BCA ने गुड सर्विस का क्रॉसिंग होने वाला है राइट साइड से, कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें, ये WAM4 लोकोमोटिव होगा शायद से, वाह यार काफ़ी लाजवाब क्रॉसिंग है क्योंकि ट्रैक साउंड काफ़ी गजब के आ रहे हैं इसके, पीछे में गार्ड जी है, हाँ भाई गार्ड जी तो अवेलेबल है जिन्होंने हमको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया था, और राइट साइड के ट्रैक्स पर भी सिग्नल रेड है जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि अभी अभी एक ट्रेन गुजरी हुई है भाई, तो रेड तो होना ही था। चलो यार मैं स्पीड को ना रिड्यूस करवा लेता हूँ, मैं कैब व्यू से ज़रा नज़ारा अपने आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से ज़रा नज़ारा को देखिए और इन्जॉयमेंट लीजिए। देखिए स्पीडोमीटर से जो हमारा स्पीड है वो काफ़ी डिक्रीज हो रहा है, और ये कोई ब्रिज से होकर हम लोग अभी क्रॉस करें, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ गाइस, दरवाज़ा खुल चुका है क्या, हाँ ये देखो दरवाज़ा खुल चुका है, यहाँ का नज़ारा आप लोग देख लो, विंडो भी खोल देते हैं, ये विंडो भी हमने खोल दिया और अभी आ रहा है बिल्कुल रियल वाला फील, असली जैसा लग रहा है मेरे को अभी। स्पीड तो गाइस हमारा काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, उसका आप लोग टेंशन मत लो, बस रेड सिग्नल के बिल्कुल पहले में जाकर हम लोगों को रोक देना है ट्रेन को, इतना स्पीड में रखते हैं गाइस अभी फिलहाल। और गाइस तब तक ना मैं आपको लोकोमोटिव का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये आ चुके हैं हम लोग अंदर वाले पोर्शन पे, लोकोमोटिव का जो अंदर वाला पोर्शन है ना वो भी आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा रियल वाला बना के रखा गया है, BRW के द्वारा ये लोकोमोटिव बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन लोकोमोटिव उन्होंने बनाया है, आपको सामने में देख के तो पता चल ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा रियल वाला फील आता है इस लोकोमोटिव से जब आप लोग जर्नी करते हो इस गेम में, ये कोई ट्रांसफॉर्मर वगैरह होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। खैर जो भी हो इंटीरियर तो मैंने आपको दिखा दिया,
और अगर इस साइड में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला जो कैबिन है ना वो आ जाएगा। ये देखो पीछे वाले कैबिन में हम लोग आ चुके हैं। ये यहाँ पे सीट्स है लोको पायलट्स के लिए। तो यार इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा गजब वाला बना के रखा गया है। तो बताना गाइस कमेंट्स में ये लोकोमोटिव कैसा लगा गाइस आप सभी को। और थोड़ा सा सामने में जाकर फतुहा जंक्शन सामने में नज़र आ रहा है, वहाँ पर जाकर हम लोग को रोकना है और देखते हैं वहाँ पर जाकर क्या होता है। फिलहाल रेड सिग्नल काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुका है। चलो यार हम लोग यहाँ पर ट्रेन को ना रोक देते हैं गाइस। ब्रेक्स तो मैंने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी, बस बहुत जल्द हम लोग रोकने वाले हैं ट्रेन के साथ में। चलो यार यहाँ पे रोक देते हैं गाइस ट्रेन को। तो चलो गाइस फाइनली ट्रेन हमारा यहाँ पे रुक चुका है और आगे फतुहा जंक्शन पे देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाने के बाद में। वहाँ पे एंटर करने का जो टाइम है वो है 12:50 पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे। 3 से 4 मिनट हम लोग लेट होने वाले हैं, या फिर 4 से 5 मिनट आप लोग पकड़ लो कि 5 मिनट लेट हम लोग होने वाले हैं फतुहा जंक्शन पे एंटर करने के लिए, क्योंकि यार ये रेड सिग्नल हमको बीच में मिल गया ना, यही दिक्कत था, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार फाइनली हमको येलो सिग्नल मिल चुका है। एक काम करते हैं गाइस जल्दी से हॉर्न बजाकर ब्रेक्स को रिलीज करके हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। ये रहा ब्रेक्स। ये ब्रेक्स को हमने रिलीज कर दिया है और ये नीचे में है हॉर्न, इसे भी हमने बजा दिया है। और अभी थ्रॉटल को थोड़ा सा आगे करते हैं। चलो यार फाइनली हमारा ट्रेन जो है डिपार्ट हो रहा है फतुहा जंक्शन पे एंटर करने के लिए। अभी थ्रॉटल को गाइस और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो गाइस यहाँ तक आप सभी को कैसा लगा वीडियो, मज़ा आया कि नहीं आया? मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि यार मैं भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हूँ। ये लोकोमोटिव जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट इसने हमको दिया है। ऊपर में देख लीजिए रीडिंग लाइट्स भी रखा गया है। इसका जो कंट्रोल्स है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है यार। आप सबको कैसा लगा गाइस कमेंट्स में बता के जाना। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ गाइस। चलो यार दरवाज़ा यहाँ पर बंद हो चुका है। और यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है गाइस। हमारा ट्रैक चेंज क्यों हो रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों को यहाँ से राइट साइड में जाना है क्या गाइस? हम लोगों को यहाँ से राइट साइड में जाना है क्या गाइस? पता नहीं यार यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा लंबा वाला जैम लगा के रखा गया है। आप लोग सामने देख सकते हैं ये जो लेवल क्रॉसिंग है ना कितना खतरनाक वाला जैम लग चुका है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखो हमारे लिए कितना ज़्यादा लंबा जो ट्रैफिक जैम यहाँ पे लग चुका है। और हमारा ट्रेन क्रॉस कर रही है लेवल क्रॉसिंग से फतुहा जंक्शन पे एंटर करने के लिए। उस साइड भी आप लोग देख लो, उस साइड भी काफ़ी ज़्यादा जैम है। खैर जो भी है यहाँ पे देखिए एक वैग 7 के साथ में हॉपर स्टोन वाली फ्रेट ट्रेन मेरे को नज़र आ रहा है जो कि फतुहा जंक्शन पे रुकी हुई है। और यहाँ पे एक वैग 7 है, साइड में P7 पॉन्ड भी है जिसका गाजियाबाद शहर का लोकोमोटिव है। ये यहाँ पर स्टैटिक और आइडल वेट कर रही है फतुहा जंक्शन पर। और हम लोग गाइस यहाँ से राइट साइड में डाइवर्ट हो चुके हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ है और देखना पड़ेगा यार। ये राइट साइड वाला जो प्लेटफॉर्म है ना ये काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है। क्या हमारा पूरा ट्रेन एंटर हो पाएगा स्टेशन पे? देख लेते हैं गाइस। ब्रेक्स तो मैंने अप्लाई करके रखा है। चलो यार पूरा ट्रेन तो हमारा ये राइट साइड वाले लाइन पर आ चुका है। बस गाइस अभी ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले हम लोग, अब यहाँ पर रोक देते हैं गाइस ट्रेन को। सामने का साइड का नज़ारा मैं आपको दिखा के आता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग रुक चुके हैं फतुहा जंक्शन पे। तो गाइस यहाँ तक आप सभी को ये ट्रेन जर्नी कैसा लगा? हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट डिले पे पहुँचे हैं, 5 या 6 मिनट कह सकते हैं आप लोग, उतने डिले में हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टैटिक कोचेस रखा गया है, स्टैटिक ICF वाले कोचेस यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हॉपर स्टोन वाली फ्रेट ट्रेन और यहाँ पर एक उत्कृष्ट लिवरी के साथ में काफ़ी डर्टी वाले वर्जन पर एक ICF कोई ट्रेन खड़ी है। सामने में इसका लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है? कोई डीजल लोकोमोटिव होगा जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ चीता वाला एल्को लोकोमोटिव, ट्विन एल्को लोकोमोटिव इसमें लगा के रखा गया है। तो गाइस यहाँ तक जर्नी आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप यहाँ पे पहली बार एंट्री मार रहे हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो भाई एक लाइक भी ठोक के जाना। ओके गाइस तो मैं अभी आपसे फिर से मिलूंगा किसी और अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।